अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरोस्टिक्स। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं डॉग्स या ड्रॉप की, जिसको आपने जो है क्लेमिंग का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था कि आपने कैसे इसको क्लेम करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको सेल कैसे करना है, जब आपको रिसीव होंगे और जब ये लिस्ट होगा तो आपने इसको सेल कैसे करना है। तो आपको मैं OKX, बैनांस, बायबिट तीनों के एक्सचेंजेस का तरीका बताऊंगा कि तीनों एक्सचेंजेस पर आपने कैसे सेल करना है और जब आपको USDT रिसीव हो जाए उसके बदले में, क्योंकि अगर हम इसको सेल करेंगे तो हमें USDT रिसीव होगा, तो USDT को आपने फिर आगे कैसे सेल करना है। तो सारा प्रोसेस आज की वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि बाद में आपको मसला ना बने। तो सबसे पहले अगर आप OKX को ओपन करेंगे आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो नॉर्मल आपके पास जो टोकन होंगे वो आपको एसेट्स में शो होंगे, ये जो आपको निशान नजर आ रहा है, ठीक है। ये एसेट्स में आपने जाना है और एसेट्स को आपने यहाँ से ओपन कर देना है, ठीक है। एसेट्स को ओपन करने के बाद दो टाइप के एक्सचेंज वो होते हैं, आपके वॉलेट होते हैं, एक फंडिंग होता है, एक ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो अगर आपको फंडिंग में रिसीव हुई हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आपके फंडिंग में हो तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। ये जो ट्रांसफ़र का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र पे जाएंगे और ट्रांसफ़र पे करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ऊपर, फंडिंग टू ट्रेडिंग, ठीक है। तो आपने फंडिंग से ट्रेडिंग करना है और यहाँ पर जो आपके पास एसेट्स का निशान आ रहा है यहाँ पर अपने USDT आपके पास होगा, आपने इसको डॉक कर देना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप का डॉक्स होगा, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ से इसको मैक्स कर देना है जितने भी आपके पास टोकन होंगे, अभी मेरे पास रिसीव नहीं हुए तो इसलिए जीरो शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको कन्फर्म कर देना है। तो आपके पास जो भी डॉग्स होंगे वो ट्रेडिंग, आपके ट्रेडिंग वॉलेट में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपके पास फंडिंग में है तो आप इसको ट्रेडिंग में कर लें, अगर ट्रेडिंग में रिसीव होते हैं फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ट्रेडिंग में जब आ जाएंगे तो आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपके पास ये ट्रेड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, ये जो आपको ट्रेड का निशान नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास जो है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया होगा तो आपने ऊपर से सर्च करना है डॉग, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपने डॉग सर्च करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। डॉग सर्च करने के बाद, अच्छा ये मैंने डॉग किया है, ठीक है, आपने डॉग्स करना है, DOGS। अभी ये जो मैंने किया है वो DOGE है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ से आपने डॉग सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है सेल वाले ऑप्शन पे जाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपने सेल वाले ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर जो भी प्राइस होगी, अगर आपको उसी टाइम उसको सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये लिमिट ऑर्डर आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, मार्केट ऑर्डर कर देना है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपने करना है, इसको आपने करना है। और इसको यहाँ से जितने भी अमाउंट आप सेल करना चाहते हैं आप लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप सारी अमाउंट यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर जाना है, ठीक है, इसको फुल कर देना और 100% आपका जो होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सेल डॉक्स पर क्लिक कर देना है, तो आपके जो डॉलर वो टोकन है वो यहाँ पर सेल हो जाएंगे। अगर आप एक महसूस इसका ऑर्डर लगाते हैं कि मतलब अगर इसकी प्राइस अप जाए, मतलब अगर इसकी प्राइस ₹1 है और आप चाहते हैं कि ₹2 पे जाए, तो आप फिर लिमिट ऑर्डर से इसकी जो है सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ऑर्डर पे ही बेस्ट होगा। लिमिट ऑर्डर में ये होता है कि आप अपनी मर्जी का रेट लगा सकते हैं, यहाँ पे डॉलर में आपने रेट लगाना है तो यहाँ पे 0.001 भी लगा सकते हैं, 0.002 जो आप मर्जी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन ये तब भी फिर सेल होंगे जब आप जो है इसी रेट पर इसकी प्राइस जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखें। यहाँ पर आप जो रेट बताएंगे, अगर ये अप जाता है, ऊपर जाता है कॉइन, तो फिर ही सेल होगा, अगर ये नीचे आएगा तो आपके कॉइन सेल नहीं होंगे। सेल के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप उसी टाइम सेल करना चाहते हैं तो आपने यहां पे क्लिक करना है और मार्केट पे क्लिक करना है। मार्केट पे आप करेंगे और इसको फुल करेंगे तो जो भी रेट होगा उसी टाइम चल रहा होगा, उसी रेट पे उसी टाइम वो सेल हो जाएंगे और उसके बदले आपको USDT मिल जाएंगे, ठीक है। सेल के लिए आपने फिर यहाँ पे ज़रूर क्लिक करना है सेल डॉग पे। उसके बाद आपके पास जो है USDT आ जाएंगे। USDT के लिए आपने USDT को फिर कैसे सेल करना है, उसके लिए आपने एसेट वाले ऑप्शन पे जाना है। जब आपको USDT रिसीव हो जाए, डॉग्स आपके सेल हो जाए, आपने एसेट्स वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने विड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। विड्रॉ वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रही है P2P ट्रेडिंग, ठीक है, आपने फिर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये आपने ओके करना है और यहाँ पे आपने सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप रेट देख सकते हैं, USDT का रेट आपको यही मिल रहा है 288.3, यही रेट पे आपके सेल होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से आपका जो PK आ रहा है, अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो INR कर लें, इंडियन रुपीज़, और बांग्लादेश का मेरे ख्याल जो भी है वो बांग्लादेशी भाई वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना जो भी इजी पैसा जैस कैश नंबर, मतलब इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, यहाँ पर सेल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जितने भी USDT आप सेल करना चाहते हैं सेल आप लगा लें। मतलब आपके पास 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, मतलब आपके पास 20 हैं तो आप यहाँ पे 20 USDT लिख लें
अभी मेरे पास है नहीं इसलिए इनसफिशिएंट आ रहा है, कम बैलेंस आ रहा है। और यहाँ से आपने सेल यूएसडीटी विद जीरो फीस करनी है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और जब आपको बैलेंस रिसीव हो जाए आपकी इजी पैसा जैस कैश अकाउंट में, उसके बाद ही जो है आपने इसको रिलीज़ करना है। बहुत इजी तरीका है, आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ये बहुत इजी है। मेन चीज़ आपका क्या करना है कि आपने डॉक्स को सेल करना है। यूएसडीटी आप बाद में भी सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक दो दिन बाद भी सेल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्स की प्राइस अगर आपके पास डाउन जा रही है तो वो उसी टाइम आपने सेल करने हैं। तो ये आपको OKX का मैंने तरीका बता दिया। अभी हम बाइनेंस पे जाते हैं। तो बैलेंस पे जब आप ओपन करेंगे, आपको जब रिसीव होंगे तो आपने क्या करना है, वॉलेट वाले सेक्शन में जाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सपोर्ट में आए हैं, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, ओके है, सपोर्ट में अगर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके फंडिंग में आए हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप फंडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आपको आ गए हों आपके डॉक्स, तो आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र पे जाना है। जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है फंडिंग टू सपोर्ट, ठीक है, तो आपने इसको फंडिंग टू सपोर्ट करना है। यहाँ पे आपने यूएसडीटी के बजाय आपने डॉक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी शो नहीं होगा लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे ये डॉक्स शो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से मैक्स कर देना है। जितने भी आपके पास कॉइन होंगे वो आपके स्पोर्ट वॉलेट में चले जाएंगे। स्पोर्ट वॉलेट में आपके पास होने चाहिए तभी आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको होम स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, फिर आपने ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ये ट्रेड जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने ऊपर सेलेक्ट करना है, ये जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने डॉग्स यूएसडीटी करना है, ठीक है, DOGS चेक कर लेता हूँ, अभी नहीं आ रहा क्योंकि लिस्ट नहीं है। तो आपने यहाँ से डॉग्स सेलेक्ट करना है, यूएसडीटी करना है, और यहाँ पर जो है आपने सेल वाले ऑप्शन पर जाना है। सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिमिट का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से मार्केट ऑर्डर कर देना है। मार्केट में ये होगा कि जो भी प्राइस उस टाइम चल रही होगी, जो भी प्राइस हो, चाहे एक रुपये हो, चाहे 25 पैसे हो, 50 पैसे हो, आप इसको जो है इसी रेट पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप 100% 50% देखें इस लकीर को, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 25% आपके सेल होंगे। मतलब अगर आपके पास 10,000 कॉइन है तो 2,500 कॉइन आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, वो सेल हो जाएंगे। इस तरह 50%, इस तरह 75% और 100%। अगर आप सारे सेल करना चाहते हैं तो आपने इसको 100% करना है। 100% करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सेल्स डॉग पे क्लिक कर देना है। तो आपके जितने भी कॉइन्स होंगे उसी टाइम सेल हो जाएंगे, जो भी सेल प्राइस उस टाइम चल रही हो। यहाँ पे अगर आप अपनी मर्जी का रेट लगाना चाहते हैं तो ये आपको जो मार्केट नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने लिमिट ऑर्डर करना है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी मर्जी का आप रेट लगा सकते हैं। मतलब 0.01 करना चाहते हैं, 0.01 ये पाकिस्तानी 001 तकरीबन 01 अगर आप करेंगे ना 0.01 तो ये पाकिस्तानी 3 रुपये बनता है। तो यहाँ पे ये सूरत हाल होती है कि देखें अगर उसकी प्राइस उस टाइम 1 रुपये है और आप चाहते हैं कि मैं इसको 3 रुपये पे सेल करूँ, तो आप यहाँ पे 0.01 लिखें। यहाँ पे आपकी USDT का रेट होगा, डॉलर का रेट होगा, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ का नहीं होगा। तो यहाँ पे जब ये रेट 3 रुपये पे जाएगा तो आपके टोकन सेल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 3 रुपये पे नहीं जाता, कम ही होता जाता है, मतलब प्राइस कम होती जाएगी, अगर 1 रुपये है तो अगर 50 पैसे पे आता है या 80 पैसे पे आता है तो आपका टोकन सेल नहीं होगा। जब तक इसकी प्राइस 3 रुपये पे नहीं जाएगी फिर आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं खुद भी कोशिश करूँगा, आप लोगों को भी बताऊँगा कि आपने यहाँ से लिमिट ऑर्डर करना है, लिमिट आपके लिए सॉरी मार्केट करना है। मार्केट में आपको ये होगा कि जो भी प्राइस चल रही होगी आप जितने टोकन सेल करना चाहते हैं 50% 75% ये आप देख सकते हैं। इस लकीर को आपने उतना ही करना है, ये जो लकीर नज़र आ रही है, ठीक है। जितने कॉइन्स आप सेल करना चाहते हैं इसको आप कर दें, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर अच्छी आएगी तो मैं 100% सेल करूँगा और बाद में जो है इसको दोबारा से अगर नीचे आएगा तो इंशाल्लाह मैं हो सकता है ग्रुप में भी आपको सारे अपडेट्स दूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पर, तो फिर दोबारा से बाय कर लूँगा। तो इस पर आपने फुल कर देना है या 50% जो भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद आपने सेल डॉग पर क्लिक करना है तो आप इसको जो है यहाँ पर सेल कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल यही तरीका है। उसके बाद आपके पास आपकी USDT आ जाएंगे आपके वॉलेट में। तो मैंने आपको पहले भी बताया USDT अगर आप 1-2 दिन बाद भी सेल करेंगे तो कोई मसला आपके पास नहीं आएगा। USDT को सेल करने के लिए आपने क्या करना है, वॉलेट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपने फंडिंग पे जाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने P2P वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपने P2P पे क्लिक करना है। P2P पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अगर इंडियन है, पाकिस्तानी है, जो भी है, PKR मेरे पास अभी आ रहा है पाकिस्तानी रुपीज़, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने सेल वाले ऑप्शन पर जाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप जो है इसको यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। अभी जो प्राइस चल रही है 271 का $1 आपका सेल होगा। अगर आपके डॉलर कम है तो आपने क्या करना है, यहाँ से फिल्टर वाला ऑप्शन ऑन कर देना है। मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखाऊं, ये जो आपको फिल्टर का निशान है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी के जो है आपने मतलब आपके पास अगर $10 हैं तो आप 2800 लगाएंगे तो आपने फ़िल्टर ऑन कर देना है, तो आपको जो है आपका एड मिल जाएगा, ठीक है। 1 रुपये 2 रुपये उसका रेट कम होगा।
तो आप अपनी मर्ज़ी का जो भी डीलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करें, लेकिन याद रखें, देखें यहाँ पे जिनकी रेटिंग अच्छी हो ना, ये आप देख सकते हैं 98% है, इसकी 93 है और इसकी 97 है, तो आपने कोशिश करनी है 98 वाले बंदे को सेल करनी है जिसकी रेटिंग अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्कैम के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके अलावा आपका इजी पैसा जैस कैश जो भी अकाउंट है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये बंदा आपको इजी पैसा, यहाँ पे इजी पैसा का ऑप्शन इसके पास आ रहा है, ठीक है, ये आपने पहले चेक कर लेना है, क्योंकि इनकी अपनी मर्जी होती है, बाजू का ये बैंक अकाउंट पर नहीं करते या इजी पैसा पे, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जैस कैश आपको शो नहीं हो रहा, यहाँ भी जैस कैश नहीं है, तो आप अगर जैस कैश करना चाहते हैं तो उसको स्क्रॉल करें और अपनी मर्जी का जो है अकाउंट यहाँ पर चेक कर लें, ठीक है, यही आपका तरीकाकार है। यूएसडी अगर आप एक दो दिन बाद भी सेल करेंगे कोई मसला नहीं आएगा। अभी चलते हैं बायबिट की तरफ कि आपने बायबिट पे इसको कैसे सेल करना है। तो बायबिट को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने आना है, उसके बाद आपने क्या करना है, एसेट वाले ऑप्शन पे जाना है नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एसेट्स पे जाना है, ठीक है, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है। अगर आपकी फंडिंग वॉलेट में है यहाँ पे, तो आपने इसको यूनिफाइड ट्रेडिंग में करना है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये देखें आपके पास ऊपर फंडिंग है, नीचे यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है, ठीक है, तो आपने सेम इसको या इसी तरह रहने देना है, ठीक है। अगर आपके पास ऊपर यूनिफाइड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास इस टाइप का आ रहा है ना, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके ऊपर फंडिंग करें, नीचे यूनिफाइड कर लें, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास कॉइन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने डॉक सेलेक्ट करना है, ये जो आपको मैं अभी सर्च करके बता देता हूँ डॉग्स, ठीक है, ये डॉग्स आपके पास आ जाएगा सर्च के बाद, और आपने यहाँ से इसको मैक्स कर देना है, जितनी भी आपके कॉइन्स होंगे वो यहाँ पे मैक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ये कन्फर्म हो जाएगा, आपके यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट पर जाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है स्पोर्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है स्पोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कॉइन्स शो हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ऊपर सर्च का बटन आएगा, तो आपने यहाँ से डॉक्स को सर्च कर देना है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में ये शो नहीं होगा डॉक्स, एक मिनट में दोबारा से कर लूँ, हाँ डॉग शो नहीं हो रहा, मैं कोई और कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर आपके पास शो हो जाएगा जब ये लिस्ट होगा, ठीक है। तो आपने डॉग को सेलेक्ट करना है और फिर आपने सेल वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है, यहाँ पे सेल करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास वही लिमिट और आपके पास जो है सेकंड मार्केट होगा, ये जो आपका सेकंड नंबर नज़र आ रहा है ये आपका मार्केट का ऑप्शन है, तो आप मार्केट वाले पे करें अगर उसी रेट पे आप सेल करना चाहते हैं, और यहाँ से जितनी क्वांटिटी आप करना चाहते हैं, मतलब आप 25% 50% 75% 100%, तो मैं अगर 25 करना चाहता हूँ तो यहाँ पे करूँगा, इस तरह आप इसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 100% आप करना चाहते हैं तो 100% कर लें, और उसके बाद जो है जितने भी कॉइन्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, और आपने इसको यहाँ से सेल डॉक्स पर क्लिक करने है, ठीक है। सेल डॉग पे क्लिक करेंगे तो अगर मार्केट पे आप करेंगे तो वही रेट आपको मिलेगा जो उसी टाइम हो, मतलब उसी टाइम अगर उसकी प्राइस 25 पैसे होगी तो 25 पैसे पे आपके टोकन सेल हो जाएंगे। अगर आप अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। लिमिट ऑर्डर में ये होगा कि आप अपनी मर्जी का रेट यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब 0.001 ये देखें, ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप या 0.002 जो भी करना चाहते हैं, और यहाँ से जितने कॉइन्स 50% 25% 75% 100% वो सेलेक्ट करें, और उसके बाद जो है सेल डॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके कॉइन जब लिमिट पे लगाएंगे तो आपकी मर्ज़ी के रेट से सेल होंगे, लेकिन याद रखें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लिमिट ऑर्डर में ये होगा कि अगर प्राइस अप नहीं जाएगी तो आपके कॉइन सेल नहीं होंगे, मतलब आपकी मर्ज़ी का जो भी रेट होगा सिर्फ उसी पर अगर रेट जाएगा तब ये सेल होंगे, अगर उस रेट पर नहीं जाएगा तो आपके टोकन सेल नहीं होंगे, टोकन आपके तभी सेल होंगे जब आप मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है सेल डॉग पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास यूएसडीटी आ जाएंगे, और यूएसडीटी मैंने आपको बता दिया, आप एक दो दिन बाद भी आराम से रिलैक्स होकर सेल कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं होता। मजीद इस टाइप के अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।